नीलम डागर सर, क्लास बिल्कुल रुक रुक कर चल रही है। हाँ नीलम, मैं भी यही देख रहा हूँ, यहाँ पर क्लास रुक रुक के चल रही है बिल्कुल। मुझे भी ऐसा ही दिख रहा है, चक्कर चक्कर सा घूम रहा है ये। ठीक है, तो मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ, भाई से जो टेक्निकल वाला भाई है। मुझे भी यहाँ से यही दिख रहा है, क्लास रुक रुक के चल रही है। भाई नीलम जी, प्रॉब्लम तो है कुछ यहाँ पर, प्रॉब्लम इसमें है। अब भी रुक रुक के चल रही है ना? तो एक बार देख लेते हैं भाई से बात करके, जो आपके वो हैं टेक्निकल वाले। भाई क्लास रुक रुक के चल रही है ना? बताएंगे क्लास क्या रुक रुक के चल रही है या चल ही नहीं रही है, जल्दी बताएंगे फास्ट, क्या क्लास रुक रुक के चल रही है या चल ही नहीं रही है। चलिए तो चल रही है भाई क्लास, आ रही किसी, सबको साउंड आ रही है, जो भी हैं ज्योति चल रही है। ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ से अब भाई आपका 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। 18 के बाद अब चलेंगे हम नंबर नेक्स्ट पर। 18 के बाद है अब आपका 19। 19 में क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, ये 2018 की बात कर रहा है, पुराना है तो उस वक्त ये दिल्ली था जो सबसे पुराना था 2018 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपका ये है, जिसे कह रहे हैं हम भाई 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कहने जा रहे हैं यहाँ से, ये रहा भाई दोस्तों आपका 20। और 20 में कह रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के परिणाम के अनुसार राजस्थान हरियाणा में सबसे स्वच्छ शहर और उत्तर भारत में सबसे दूसरा स्वच्छ शहर है, तो वह है आपका करनाल। करनाल जिसकी राह जो आपका वो शहर है जहाँ से हमारे प्रेजेंट सीएम हैं, तो वहाँ उस सुरक्षा स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम द्वितीय स्थान पर आया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 पे 21 पर चलेंगे। 21 अब आपका ये रहा भाई, ठीक है। 21 अब आपका ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21। 21 आपका यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। देखें क्वेश्चन कर रहा है हरियाणा, साउंड कम है, साउंड कम, ठीक है। 21 क्वेश्चन कर रहा है, हरियाणा के किस धार्मिक स्थल को हरियाणा हाल ही में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, और 30 स्वच्छ प्रतिष्ठानों, ठीक है, 30 स्वच्छ प्रतिष्ठानों SIP की सूची में शामिल किया गया था, तो वो अब आपका है ब्रह्म सरोवर। क्या है भाई आपका? ब्रह्म सरोवर, ठीक है, ये ब्रह्म सरोवर है। क्लियर होगी बात सबको? आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दें, लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? लास्ट क्वेश्चन अब आपका ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपका है नंबर नेक्स्ट, और नंबर नेक्स्ट अब यहाँ से चलेंगे नंबर नेक्स्ट। 22 क्वेश्चन अब यहाँ से चलना है, 22 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 22 का मतलब है 22 जनवरी 2019 को। 22 जनवरी 2019 को कहा था उसने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स
22 जनवरी 2019 को खेलो इंडिया यूथ गेम दूसरे संस्करण में हरियाणा खाजस्थान रहा था, तो ये दूसरे स्थान पर रहा था खेलो इंडिया में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन अब आपका यहाँ से चलता है, विजय कुमार गुड इवनिंग भाई। तो अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से है 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नृत्य रूप की उत्पत्ति भारत से हुई है, इस नृत्य रूप की उत्पत्ति भारत से हुई है। नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में ढोल लिए रहते हैं जिनके किनारे चमकीले रंग के कपड़े के झालर लगे होते हैं, किनारों पर चमकीले कपड़े के झालर लगे होते हैं, जबकि अन्य नर्तक तथा हाथ में लाठी लिए रहते हैं। इस नृत्य को धमाल कहते हैं, इस नृत्य को क्या कहते हैं, धमाल। ये आपका भाई धमाल नृत्य रहा। आप चलेंगे भाई दोस्तों आपके 24 क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन अब आपके पास ये है। 24 क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि देश में हर साल चेतर चौदस मेला लगता है, चेतर चौदस मेला लगता है। इस मेले में लोग ठीक उसी तरह अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं जिस तरह युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी रिश्तेदारों की याद में पिंडदान किया था, तो वो है पेहुवा। और पेहुवा आप जानते हैं भाई कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। पेहोवा कुरुक्षेत्र में है, मैंने बताया था आजकल जो पिंडदान किया जाता है वो पेहोवा में किया जाता है और वो कुरुक्षेत्र में है। वैसे ऑल ओवर जब करते हैं भारत में तो गया में जाते हैं, और गया आपका कहाँ है, बिहार में। अग्रोहा आपका भाई हिसार में है और पेहोवा आपका कुरुक्षेत्र में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अब है आपका 25 क्वेश्चन। 25 जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन कह रहा है डैश रागनी और सांग, रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर कवि है। इस कवि को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। उनका नाम है दादा लक्ष्मीचंद। क्या नाम है भाई, दादा लक्ष्मीचंद। तो दादा लक्ष्मीचंद को कहा जाता है भाई हरियाणा का सूर्य कवि, या उन्हें कहा जाता है हरियाणा का शेक्सपियर। तो हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है दादा लक्ष्मीचंद को, या सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो कहते हैं हरियाणा का शेक्सपियर इंपॉर्टेंट, और हम हरियाणा का शेक्सपियर उसे भी कहते थे जिसका नाम दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन हरियाणा का कालिदास। तो इसे आपका सूर्य कवि को जो आपका है जिसे कहते हैं हम भाई सूर्य कवि और लक्ष्मीचंद है, तो इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है। ओके, दीपचंद बहमन को कालिदास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अब देखेंगे यहाँ पर, ये रहा आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कोमल भाटी गुड इवनिंग। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है 25 क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, अब चलेगा 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन प्रिय साथियों आपका ये है, यहाँ से 26 क्वेश्चन अब आपका आने वाला है। 26 में कह रहा है, ये रहा भाई आपका 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है डैश एक हिंदी कवि है, डैश एक हिंदी कवि है, डैश एक हिंदी कवि है जिन्हें हरियाणा राज्य का कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था जब हरियाणा एक नया राज्य बना था, वो है अनूपचंद आफ्ताब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है। डैश एक हिंदी कवि है जिन्हें हरियाणा का राज कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था जब हरियाणा का नया राज्य हरियाणा एक नए राज्य के रूप में बना था, तो वो है अनूपचंद आफ्ताब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेगा वो आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपका ये है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई अब आपका यहाँ से शुरू होता है ये, और 27 क्वेश्चन है, ठीक है। 27 क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ से कहता है, यहाँ पर ऊपर चला गया थोड़ा सा 27 क्वेश्चन आपका, ये रहा भाई ये आपका 27 क्वेश्चन। कहता है डैश एक प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने भूटान लिखा है, तो ये भूदान है, भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये कवि हिसार के रहने वाले थे, उन्होंने विनोद भावे को संदेश पहुंचाने के लिए गीतों का इस्तेमाल किया था, तो थे भाई परमानंद। कौन थे भाई वो, भाई परमानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में किसी में आया भी था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद अब चलेगा आपका भाई नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो विनोद भावे थे, ये आपके आंध्र प्रदेश में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नाम था कि भाई भूदान आंदोलन, मुझे भूमि दान करो, मैं गरीबों को दान करूंगा। अब है भाई दोस्तों आपका 28 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये है 28 क्वेश्चन अब आपका, जिसमें कह रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के खाजस्थान भाग में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपके दक्षिण में स्थित है, उत्तर भारत में
जो आपकी है उसे अरावली, जिसे हम शिवालिक कहते हैं या मोरनी की पहाड़ी कहते हैं। दक्षिण भारत में है तो वो आपकी ये है जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन वो आपका 29 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा भाई आपका 29। 29 में देखेंगे डैश नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है। जो घग्गर नदी कहता है डैश नदी घग्गर नदियों की उपनदियों में से एक है, यह है पंचकुला जिले से बहती और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिल जाती है, तो उसका नाम है कौशल्या। कौशल्या नदी, चेटांग नदी यहीं पर है, कौशल्या चेटांग, उसके बाद आपकी टांगरी, उसके बाद आपकी अरुणा जिसे हम मारकंडा कहते हैं, ये सब नदी उत्तर भारत में और पंचकुला के आसपास वाली मोरनी की पहाड़ियों से के आसपास बहती हैं ये नदियाँ, जिनका नाम है आपकी कौशल्या नदी। कौशल्या नदी पर एक डैम भी बनाया गया है, बैराज बनाया गया है, जिसे कौशल्या बैराज भी कहते हैं। तो कौशल्या बैराज कौशल्या डैम पर है, कौशल्या नदी पर है, ठीक है। और आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपका प्रिय साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ से देखेंगे। डैश और डैश यहाँ लिखा उसने, डैश और डैश सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। डैश और डैश सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इस जिले की मिट्टी बलुई लेकिन उपजाऊ है, तो ये है गेहूं और धान। गेहूं और धान इस जिले की उपजाऊ जाने वाली मिट्टी है। आप चलेंगे भाई 30 के बाद आपका आपका 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन वो आपका ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है डैश को प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जाना जाता था। डैश को प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जाना जाता था। यह एक मौसमी नदी है जो मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है, व्यापक बाढ़ लाती है। इसका नाम है मारकंड, मारकंड पुराना नाम था इसका अरुणा, और आजकल कहते हैं मारकंड। और ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला में बहती है। अम्बाला में बहकर इसमें टांगरी नदी मिल जाती है, और टांगरी और मारकंडा दोनों मिलकर आगे चलकर घग्गर में मिल जाती हैं, तो घग्गर की सहायक नदी हो जाती है। यहाँ से आगे चलेंगे भाई साथियों, तो आपका अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, और 32 क्वेश्चन आपका यहाँ से ये स्टार्ट होता है। 32 क्वेश्चन की रहा, 32 क्वेश्चन में कह रहा है राज्य और केंद्र शासित। राज्य आपके 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश आजकल आपके 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य आपके पास कितने हैं 28। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खालिस्तान और खालिस्तान के पास राष्ट्र स्तर पर वही अधिकार और कार्य मिलता है जो केंद्र पर राज्य के राष्ट्रपति को मिलता है, वो है राज्यपाल या आपका उपराज्यपाल, ठीक है। दो तीन पेपरों में लास्ट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देश को चलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, वैसे ही अपने राज्य को या अपने केंद्र शासित प्रदेश को राज्यपाल और उपराज्यपाल उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे देश का राष्ट्रपति ट्रीट करता है। 8 राज्य, 8 आपके पास हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 आपके पास हैं राज्य। भारत में आजकल 28 राज्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं वाटर ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे भाई अगले नंबर पर। तो देखते हैं यहाँ पर आपका अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा वाटर लेता हूँ, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए भाई आपका अगला नंबर है अब आपका यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है ये 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन में अब आप यहाँ देखेंगे मौजूद हो चुका है, अब है आपका 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 33 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 कहता है वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के गठन के बाद 13वीं विधानसभा हरियाणा है। आजकल 13वीं नहीं छोड़कर अब आपकी हो गई है 14वीं, ठीक है। अब 14वीं विधानसभा है क्योंकि ये 13वीं 2014 में थी, 5 साल चली, 19 तक चली, ठीक है, 19 तक चली। और आजकल आपकी ये 13वीं विधानसभा नहीं है, आप कौन सी विधानसभा है 14वीं। और 14वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, उन्हें कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ये आपकी 14वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं। और 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आप जानते ही हैं, उनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा की वर्तमान विधानसभा हरियाणा के गठन के बाद से 13वीं विधानसभा है। विधानसभा में कितने संसदीय कक्ष हैं, तो आप कहेंगे भाई आजकल जो हमारी विधानसभा है वो 14वीं विधानसभा है, उसमें एक ही कक्ष है। एक कक्ष का मतलब क्या है, एक कक्ष का मतलब है एक सदनीय है, ये एक सदनीय का मतलब क्या है, इसमें एक सदन है बस।
आपको पता है आपकी जो विधानसभाएं होती हैं वो कुछ कुछ भारत हरियाणा भारत में दो दो राज्य में दो दो हैं, दो दो हैं, और वो दो दो राज्य का मतलब है एक इनका विधानसभा है और एक उनकी विधान परिषद है। विधानसभा विधान परिषद तो कक्ष नंबर एक हो जाएगा ये कक्ष, ठीक है, एक कक्ष हो जाएगा और कक्ष नंबर है सेकेंड हो जाएगा। लेकिन हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं है, हमारे हरियाणा में एक ही विधानसभा है, एक ही कक्ष है, अर्थात जो हमारी विधानसभा है अकेली है, उसमें विधान परिषद नहीं है। जैसे आप यहाँ मैप में देख पाएंगे तो ये आपका भारत है, ये भारत है आपका। इस भारत में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर और कोई जो विधानसभा वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, पर आजकल ये राज्य की दर्जा ही राज्य का दर्जा ही खो बैठा है, और राज्य का दर्जा खोने से ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर विधान परिषद भंग हो चुकी है। उसके बाद अगला देखेंगे तो आपको यहाँ अगला जो नंबर आने वाला है वो आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका विधान परिषद है, ये उत्तर प्रदेश, ये रहा भाई आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है एक आपके लिए, ये यहाँ दो जने हैं, दो हैं भवन में, एक भवन में आपका विधान परिषद, दूसरे में आपका विधानसभा। एक तो आपको ये मिला, ठीक है, एक तो आपको ये मिला। दूसरा अब आपको यहाँ से मिलेगा कि भाई आपका बिहार, बिहार में भी दो सदन हैं, दो कक्ष हैं, दो सदन हैं, दो हाउस हैं, एक आपका विधान परिषद और एक आपका विधानसभा। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे तो अब आपको अगला जो मिलने वाला है, तीसरा नंबर मिलने वाला है, वो आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी दो सदन है, महाराष्ट्र में दो सदन है, एक आपका विधान परिषद और एक आपका विधानसभा। महाराष्ट्र में दो सदन है। आगे चलेंगे तो फिर आपको यहाँ मिलेगा जिसे कहते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी दो सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ऐसे ही तेलंगाना में दो हैं और आंध्र प्रदेश में भी दो हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक प्रस्ताव पास कर रहा है कि भाई हम अपने यहाँ विधान परिषद समाप्त करेंगे, पर समाप्त तब करते हैं जब वो यहाँ से प्रस्ताव पास होकर केंद्र से मान्यता दे देता है, तो वो विधान परिषद भंग हुई मानी जाती है। तो इन्होंने ऐसा किया है अभी, पर अभी वो प्रस्ताव लटका हुआ है, ठीक है। तो विधान परिषद अब प्रेजेंट में कहें तो 6 राज्यों में है, विधान परिषद और विधानसभा 6 राज्यों में है, ठीक है। मनोज कुमार जी नमस्ते। तो 6 राज्यों में है विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन पहले 7 में थी, तो एक जम्मू कश्मीर अब आपका समाप्त हो चुका है। लौटते हैं अपने पेपर की तरफ, और आपका पेपर ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है ये। तो 34 है आपका, 34 से अब आप आगे चलेंगे तो 34 के बाद है 35। 34 सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की खालिस्तान महिला अध्यक्ष थी। सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की खालिस्तान महिला अध्यक्ष थी, अध्यक्ष का मतलब पहली थी, ठीक है। दरअसल ये पंजाब में भी थी, जब पंजाब में हरियाणा समाप्त मिला था, अलग नहीं हुआ था, तब भी ऐसा ही था, ठीक है। तो अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजय कुमार जी कह रहे हैं कि आपने 5 ही नाम बताए हैं, 5 नाम बताए हैं, एक बार और दोबारा बता देते हैं, 5 नाम कौन कौन से हैं देखें। एक तो आपका है ये जिसे हम नाम ले रहे थे यहाँ पर, आंध्र प्रदेश 1, कर्नाटक 2, तेलंगाना 3, महाराष्ट्र 4, ठीक है, महाराष्ट्र 4, बिहार 5, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 6। 6 नाम बताए थे मैंने, ठीक है, 6 नाम है। ओके, तो आजकल 6 स्टेट में आपके वो हैं जैसे कहते हैं वो, ठीक है, 6 स्टेट में बताए हैं, एक आपका उत्तर प्रदेश, एक आपका बिहार, एक आपका महाराष्ट्र, एक कर्नाटक, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश अपने को हटाने की तैयारी में है, और अभी हाल में कोई पेपर हो जाए तो आप उसमें 6 ही लिखेंगे, आप उसमें 5 नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं नंबर नेक्स्ट पर। और अब नंबर नेक्स्ट आपका है ये कमल भाटी, क्या है भाई तू भी मजे कर रहा है, अच्छा ठीक है, ओके, तू मजा कर, ठीक है, अच्छा। अब चलेंगे भाई नंबर नेक्स्ट है, और नंबर नेक्स्ट अब आपका ये रहा भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 34 के बाद। अच्छा, 34 क्वेश्चन देख रहे थे हम। 34 में कह रहा सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला, ठीक है, सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ओके, पहली महिला अध्यक्ष थी 6 दिसंबर 1966 को, 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक सत्ता में थी। इसका मतलब वो पहली थी, और वो आपका 66 से 67 तक तो हरियाणा में रही थी, इससे पहले वो पंजाब की थी, पंजाब की विधानसभा की अध्यक्ष थी। और उसके बाद जब हरियाणा अलग हुआ तो उसके वो जहाँ से विधायक थी वो हिस्सा हरियाणा में आ गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई अब आपका 35।
35 सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम यदि आप जानना चाहेंगे तो वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कहते हैं इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड का मतलब है संपीड़ित, संपीड़ित, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में से कहते हैं गैस, और अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूरा नाम है। तो सीएनजी कहता है कि भाई भारत की पहली सीएनजी ट्रेन जो हरियाणा गैस उत्सर्जन और डीजल की खपत को कम करने के लिए चालू की गई थी, हरियाणा के खालिस्तान और खालिस्तान के बीच चलती है। यह ट्रेन दोहरी ईंधन प्रणाली पर चलाई जाएगी, और ये है आपकी भाई कहाँ कहाँ चलती है, रोहतक और रेवाड़ी के बीच में, रोहतक और रेवाड़ी के बीच में चलती है ये ट्रेन, और इसलिए आपकी सीएनजी ट्रेन हुई। कैसी ट्रेन हुई? सीएनजी ट्रेन हुई। अगला क्वेश्चन भाई दोस्तों अब आपका ये है जिसका नाम ले रहे हैं 35 के बाद है 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, हरियाणा वन विभाग के साथ साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, हरियाणा वन विभाग के साथ साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों की 3 प्रजातियों को बचाने के लिए खालिस्तान में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है, तो वो आपका कौन है? पिंजौर। पिंजौर में उसने ये काम किया है 3 प्रजातियों को, ये पिछले पेपर में उनके नाम भी दिए थे, ठीक है, 3 प्रजातियों के पिछले पेपर में नाम भी दिए थे, और वो जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, और वो बनाया जा रहा है आपका कहाँ भाई? पिंजौर में। पिंजौर आपका पंचकुला में है, यहीं पर आपका भाई जून जुलाई में आम का मेला लगता है जिसे हम मैंगो फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। चलिए प्रिय साथियों अब आपका है 37 के बाद 37 डैश, हिसार जिले के हिरन पार्क, हिसार जिले में हिरन पार्क पाया जाता है, मुख्य जीव है तो वो है आपका ब्लैक बक हिसार जिले के हिरन पार्क में पाया जाता है। तो आपसे पूछ बैठे हरियाणा में कितने हिरन पार्क हैं, एक पेपर में आ चुका है, तो हरियाणा में केवल एक ही हिरन पार्क है भाई, हरियाणा में केवल एक ही हिरन पार्क है, और वो कहाँ है? हिसार में। और ये जो ब्लैक बक है ये आपका जानते हैं ना आप, ये ब्लैक बक आपका वही है जिसे कहते हैं हरियाणा का राष्ट्रीय पशु, ठीक है, काला मृग है, श्याम मृग या काला मृग कहते हैं, या ब्लैक बक कहते हैं, ब्लैक बक कहें, काला मृग कहें, श्याम श्याम हिरन कहें, काला हिरन कहें, ठीक है, ये आपका हरियाणा का राजकीय पशु है, हरियाणा का राजकीय पशु अब आपका ये है। और आप जानते हैं हरियाणा का राजकीय खेल जो है वो कुश्ती है, और राजकीय फूल आप जानते ही हैं, राजकीय फूल हरियाणा का वो है जिसे कहते हैं कमल का फूल। और हरियाणा का जो पशु है वो आपको बता ही दिया मैंने, ब्लैक बक है, और हरियाणा का जो पक्षी है वो काला तीतर है, हरियाणा का पक्षी काला तीतर है, पशु ब्लैक बक या श्याम मृग या काला हिरण है, और उसके बाद आप ब्लैक बक भी कहते हैं उसे, और हाँ खेल है आपका राष्ट्रीय, जो आपका राजकीय खेल है वो कुश्ती है, और जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा वो है आपकी पंजाबी, ठीक है, तो ये हरियाणा की बात हुई। आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिय साथियों यहाँ से ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर नेक्स्ट 38 क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 38 क्वेश्चन है ये रहा भाई आपका 38 क्वेश्चन, अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, कंप्यूटर में कौन से घटक को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो कंप्यूटर के कौन से घटक को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं हम सीपीयू को, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहें, कंप्यूटर का ब्रेन कहें, तो उसे हम सीपीयू को कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसे कंप्यूटर का दिल कहते हैं, कंप्यूटर का दिल कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर जितना तेज होगा, जितना फास्ट चलेगा उतना ही कंप्यूटर फास्ट चलेगा, वैसे ही दिल जितना तेज़ी से धड़केगा उतना ही ज़्यादा पंप करेगा, ठीक है, ज़्यादा आपका ब्लड पंप करेगा जितना तेज़ धड़केगा आपका हार्ट। ये आपको दो क्वेश्चन यहाँ से मिले जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे आपको याद रखने होंगे, लर्न रखने होंगे, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। एक क्वेश्चन है कंप्यूटर का हार्ट या कंप्यूटर का दिल कहते हैं, यहाँ लिखा होगा ऊपर अपने इंग्लिश के क्वेश्चन में कंप्यूटर का दिल, यहाँ लिख रहा है भाई आपका ये लिख रहा हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ लिखा हुआ है हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये लिखा हुआ हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, और कंप्यूटर का ब्रेन या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, वो आपका सीपीयू है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक आपका एएलयू होता है, एएलयू,
और एक आपका सी यू होता है, ठीक है, एक आपका सी यू होता है, एक आपका एल यू होता है। ओके, अब चलते हैं भाई दोस्तों आगे, और अगला क्वेश्चन अब आपके पास ये है। एल यू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, और सी यू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में पूछ लिया है, एक पेपर में भी आई थी कि भाई सी पी यू के कौन कौन से पार्ट हैं। तो सी पी यू के दो पार्ट हुए, पहला पार्ट है आपका ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पूरा नाम है इसका। दूसरा पार्ट उसका है भाई सी यू, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और इसका नाम है भाई आपको पता ही है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं इसे सी पी यू को। और जो ए एल यू है इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये आंकिक गणनाओं पर ध्यान देता है, और ये सी यू है ये कंट्रोल यूनिट है, अर्थात पूरे उस यूनिट को कंट्रोल करती है। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका, माइक्रो प्रोसेसर ये आपका हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आगे से आपको लर्न रखना होगा, मुझे बताना होगा कि इसका आंसर ये है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन हुआ आपका, वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन हुआ, वो आपका सी पी यू है। कौन है सी पी यू, सी पी यू का फुल नेम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी पी यू के कितने पार्ट्स हैं, दो, एक पार्ट्स का नाम है ए एल यू, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरे का पार्ट है सी यू, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ है ये 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन पर जब देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन मिलेगा। ओके, 38 क्वेश्चन अब आपका यहाँ से ये तो हो गया 38, 39 पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखें ये रहा आपका 38, तो कंप्यूटर का दिल तो आपको पता चल गया भाई, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जिस कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर तेज़ होगा वो बहुत फास्ट चलेगा। माइक्रो प्रोसेसर के इसकी चाल है, ये इसका वर्किंग है, वो माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कंप्यूटर का। जिस कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कमज़ोर है वो बहुत फास्ट वर्किंग नहीं करता है, इसकी जो वर्किंग है वो माइक्रो प्रोसेसर पर ही आधारित है। टेक वाटर, स्टे विद अस। ओके, चलिए भाई तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ से ये है, ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी संग्रहित दस्तावेज या फिल्म या फाइल, या तो फिल्म है या फाइल है, कुछ स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो वो है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डेल लिखा है, डेल का मतलब है डिलीट है। यदि आप चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कोई फिल्म है, कोई फाइल है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, और आप चाहते हैं वो डिलीट होकर आपके रिसाइकिल बिन में ना जाए, रिसाइकिल बिन आपके पास होता है, जब भी आप कंप्यूटर में कुछ भी डिलीट करते हैं, खाली डिलीट लिखेंगे, खाली डिलीट का बटन दबाएंगे, तो वो सीधा सीधा जाकर एक आपके पास ग्लास नुमा बना होता है, सिंबल आइकन बना होता है, ऐसे ग्लास नुमा एक आइकन बना होता है, ऐसे एक आपका ग्लास नुमा ऐसे आइकन बना होता है, इस आइकन में वो जाकर प्रवेश कर जाता है, इसमें पहुंच जाता है वो आपका। जैसे ही आपने डिलीट किया, ओनली आपने डिलीट पर बटन दबाया, डिलीट आपने जैसे किया, डिलीट करते ही वो आपका जो भी फाइल था, फोल्डर था, फिल्म था, या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स था, सीधा पहुंच गया आपके पास, कहाँ भाई इसमें रिसाइकिल बिन में। फिर आपने रिसाइकिल बिन खोलना है, तब आप उसे डिलीट करेंगे, तब वो कंप्यूटर में से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपने रिसाइकिल बिन में डेटा पहुंच गया और आपको गलती से हुआ है, गलती से डिलीट हो गया, पहुंच गया, तो यहाँ पर आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं, वो वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से आपने डिलीट किया था। रिस्टोर का जैसे आप क्लिक करेंगे, रिस्टोर का मतलब वापस वहीं चला जाएगा। लेकिन यदि आपने यहाँ पर पहले शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस के साथ ही आपने डिलीट बटन प्रेस कर दिया, शिफ्ट के साथ ही आपने डिलीट प्रेस कर दिया, तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, फिर आपको वो डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है इसका कमाल। तो पहले आप शिफ्ट की और फिर उसके साथ में डिलीट का बटन, जैसे ही डिलीट की की जैसे ही प्रेस करेंगे, तो डाटा आपका रिसाइकिल बिन में ना जाकर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। 40 क्वेश्चन अब आपके पास ये रहा भाई, 40 क्वेश्चन पर आप यहाँ पर आएंगे, ये रहा आपका 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का मतलब होता है अलग, बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंट जो है असंगत है उसे आपको बताना होगा।
कहता है व्हील, व्हील आपको पता ही है ये आपके पहिए होते हैं, रेडिएटर वो जो आपका ठंडा करता है, जो आपके कार को किसी को भी उसमें पानी डालते हैं इंजन में, और वो एक एक तरह से आपका इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, उसमें पानी डालते हैं, जाली जाली लगी होती है ऐसे ऐसे, तो उसी को हम रेडिएटर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम रेडिएटर, ऐसे जाली लगी होती है, ये आपका रेडिएटर हुआ। कलश आप जानते हैं, जब आप दबाते हैं उसे कलश को, तो कलश दबाने से आपको पता ही है क्या होता है, आपकी ब्रेक, आप अपने ब्रेक लगा रहे होते हैं कलश दबा कर, या फिर आप गियर चेंज कर रहे होते हैं, तो वो आपका कलच हुआ। स्पीड तो ये आपके पार्ट्स हैं आपकी व्हीकल के, लेकिन स्पीड आपके व्हीकल का पार्ट्स नहीं है, ये गति है, और गति आपका कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे ये व्हील है, रेडिएटर है, क्लच है, स्पीड। स्पीड आपका सही आंसर हुआ, इन तीनों से अलग हो जाएगा, वो दोनों के दोनों, तीनों के तीनों आपके पार्ट्स थे अपने वो के, ठीक है। अब प्रिय साथियों हम आगे चलते हैं, और अगला नंबर है अब आपका 40 के बाद है 41। 41 प्रिय साथियों आपका ये रहा, यहाँ देखेंगे 41 कहता पेन, यहाँ लिखा पेन स्टेशनरी, पेन स्टेशनरी, और उसके बाद लिखा कप डैश ये क्वेश्चन मार्क, तो पेन स्टेशनरी लिखा भाई हमने, क्या लिखा पेन स्टेशनरी, पेन स्टेशनरी लिखा और फिर उसके बाद कप लिखा, तो जो पेन है वो स्टेशनरी का पार्ट है, पेन और उसके बाद बुक आपका कलम ये सब स्टेशनरी के पार्ट है, तो कप आपका क्रॉकरी, तो क्रॉकरी कहते हैं आपके बर्तनों को, तो ब्रो बर्तनों का पार्ट है आपका क्रॉकरी, ये आपका क्रॉकरी हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे प्रिय साथियों आपका नंबर नेक्स्ट है, और 41 के बाद है अब आपका आएगा 42। 42 यहाँ से देखेंगे 42, तो यहाँ 42 देखेंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर यहाँ आ जाएगा 5। दो सीरीज बना रहा है यहाँ पर, दो सीरीज, ठीक है। पहली सीरीज में आपको एक एक बढ़ाता जा रहा है, फिर यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पूछता तो यहाँ 7 आ जाता, तो आपका सही आंसर क्या हुआ 5। दो सीरीज में ये क्रिएट कर रहा है, दो सीरीज में ही बना रहा है, ओके। अब है भाई प्रिय साथियों आपका 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को हमें पढ़ना नहीं होता, हमें पहले से ऑलरेडी पता है इस बात का, हमें क्या करना होता है जब नहीं पढ़ना होता, तो हमें इस क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखना होता है कि भाई क्वेश्चन को आखिर में देखते हैं पूछ क्या रहा है। कहता है घास फूस हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो घास फूस हटाने के लिए हम रियल में फीडर का इस्तेमाल करते हैं, फीडर का इस्तेमाल करते हैं, फीडर वो होता है जिसे हम कहते हैं भाई आपका फीडर, हम कहते हैं जो घास काटने वाला यंत्र होता है, घास काटने वाली मशीन होती है उसे फीडर होते हैं, उसी को फीडर कहते हैं। तो अब यहाँ फीडर को क्या कहा गया है ये देखो, क्योंकि आपको असली आंसर नहीं पता तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते हैं। तो फीडर का आंसर है, आपने देखा यहाँ भाई फीडर है कहाँ, फीडर ये रहा, वीडर, वीडर कहते हैं इसे वीडर, तो वीडर को कुदाल कहा गया, ये रहा वीडर, तो वीडर को कुदाल कहा गया, तो सही आंसर क्या आपका कुदाल, अर्थात वो मशीन जो घास काटती है उसे या तो फीडर कहते हैं, वीडर कहते हैं, और जो वीडर है आपका वो घास काटने वाली मशीन है, रियल नाम है उसका। वीडर को क्या कोड कर रहा है वो यहाँ पर, वीडर को कोड कर रहा है कुदाल, इसलिए सही आंसर आपका हुआ कुदाल, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे भाई यहाँ से, ये क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या इतनी है, दो संख्या, एक तो 4x मान सकते हैं आप, दूसरी 5x मान सकते हैं, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ, तो आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर 4x पहली संख्या है और ये 60 के बराबर है, 4 से इसे इधर ले जाएंगे तो ये आपका 15 आंसर आया, x की वैल्यू 15 आई, तो इसे आप इसे आपने 5x माना है दूसरी को, दूसरी पूछा है तो 15×75 आपका फाइनल आंसर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय साथियों आपका ये रहा, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, चल तो यहाँ से चलते हैं भाई, अब आपका यहाँ से ये रहा, कहता है 6 दिन में कुआ खोदा गया, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब आपका बिरजू 6 दिन में कुआ खोद सकता है, बिरजू 6 दिन में कुआ खोद सकता है, रामू उस कुएं उसे खोदने में 8 दिन लगाता है, रामू उस कुएं को खोदने में 8 दिन लगाता है, उन्होंने एक साथ मिलकर कुआ खोदा और इतने रुपए प्राप्त कर लिए, 78,260 रुपये प्राप्त कर लिए, तो प्रत्येक की हिस्सेदारी बताओ, तो आपने देखा एक ने 6 दिन काम किया है और एक ने 8 दिन काम किया है, एक ने 6 दिन और एक ने 8 दिन, 2 × 6 = 8, एक के हिस्से में 3 जाना चाहिए, एक के हिस्से में 4 जाना चाहिए, ये आपका पहला जो आदमी है वो बिरजू है, और दूसरा जो आदमी है वो है आपका रामू, इसका मतलब तो मैं दोनों का पार्ट्स निकालना होगा, पहले बिरजू का पार्ट्स निकाल देते हैं, टोटल माल हमारे पास जो हम डिवाइड करना है वो 78,260 रुपये है, और उसके बाद माल किसका निकाल रहे हैं बिरजू का, तो बिरजू का रेशो ऊपर लिखेंगे और उसके बाद दोनों का रेशो नीचे लिखेंगे ऐड करके, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 8 = 56 और 7 × 0 = 0, 3 से करेंगे गुना, 3×1 = 3 और 3×8 = 24, 3×3 = 5, 3×3 = 33,540, तो एक किस्से का है ये रहा आपका बिरजू,
दूसरे का पार्ट्स भी सेम ऐसे निकाल देंगे, 78,260 टोटल माल है और दूसरे को कितना पार्ट्स मिलना चाहिए, 4, और डिवाइड में रेशो आपका एडिशन आपका ये रहा, इसे काटेंगे 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 8 = 56, 7 × 0 = 0, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका प्रिय साथियों आंसर हुआ। अब चलते हैं भाई नंबर नेक्स्ट है, और नंबर नेक्स्ट अब आपका यहाँ ये रहा, और ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देखेंगे ये रहा आपका नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई इतनी और इतनी है। आयताकार वो होता है जिसमें आप देखते हैं इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। तो आयताकार की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई 30 है तो ये चौड़ाई भी 30 है, 50 है तो ये भी 50 है, क्योंकि आमने आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। एक वर्ग मीटर जमीन की लागत 100 रुपये है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने का तरीका है लंबाई गुना में चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 1500। 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल खरीदना हमें, और एक वर्ग मीटर पर खर्चा ले रहा है वो पैसे ले रहा है 100 रुपये, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका प्रिय साथियों आंसर होता है। 15 के नीचे आपने ये 0 लगा देनी, यही आपका फाइनल आंसर। ओके, आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अब आपका ये रहा 47 के बाद, यहाँ पर आएगा भैया अब आपका नंबर नेक्स्ट है, ये रहा आपका भी 40 अगला। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एक पर्दे पर न कैप्चर का मतलब पकड़ी न जाने वाली न आने वाली चित्र को खालिस्तान कहते हैं, तो वो है आभासी, उसका केवल हमें आभास होता है, वो चित्र हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अगला क्वेश्चन भाई वो आपके पास ये रहा, एसिड नीले लिटमस को खालिस्तान कर देता है, एसिड जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये आपका लिटमस पेपर की बात कर रहा है, ठीक है, लिटमस पेपर की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन अब आपका भाई 50 है। 50 क्वेश्चन दोस्तों अब आपका ये है, स्तनधारियों के मुंह की रचना में नुकीले दांत खालिस्तान को कहा जाता है, तो वो है आपका कुक्कर, क्या कहते हैं उन्हें, कुक्कर कहते हैं। तो ये था भाई दोस्तों आपका पेपर जो समाप्त होता है, और यहीं पर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू आपने।